हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सूटकेस किलर। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि समुद्र के किनारे टहल रही होती है। उसी समय उस समुद्र के किनारे उसे एक सूटकेस मिलता है। जब वो लड़की उस सूटकेस के पास जाती है तब उसे वहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, और जब वो सूटकेस को ओपन करती तब उस लड़की को सूटकेस के अंदर से एक हाथ मिलता है, जिसके बाद हमारा सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें 10 साल पहले का टाइम दिखाते हैं, जहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मेलेनी होता है। मेलेनी एक बार में काम किया करती और साथ ही वो नर्सिंग की पढ़ाई भी कर रही थी। उसी समय इस बार में एक और आदमी काम करने के लिए आता है और इस आदमी का नाम बिल होता है, और बिल मेलेनी को पसंद करता था, इसलिए वो मेलेनी के पास आता है और उसे अब रात को नाइट आउट करने के लिए कह रहा होता है। और तभी हम मेलेनी को देखते हैं जो कि किसी और के साथ इंगेज होती है, लेकिन फिर भी वो बिल के साथ नाइट आउट करने के लिए निकल जाती है। और फिर रात में मेलेनी और बिल एक ही कैसीनो में जाते हैं, और कैसीनो में जाने के बाद बिल वहाँ पे जुआ खेलता है और जुए में वो काफी सारे पैसे भी जीत जाता है। और बिल को ऐसा लग रहा होता है कि मेलेनी उसके लिए लकी है, इसलिए वो इस जुए में जीत रहा है और उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। इसके बाद ये लोग अब कैसीनो से बाहर निकलते हैं और कार में बैठते हैं। कार में बैठ करके मेलेनी और बिल आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। तभी यहाँ मेलेनी को देखते हैं, वो भी अब बिल को पसंद करने लगती है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट से दिखाया जाता है। अब अकेले से अपने बाहर में आती है काम करने के लिए, जहाँ पे वो अपनी फ्रेंड से मिलती है और वो अपने फ्रेंड को अब बिल के बारे में बता रही होती है, और साथ ही वो अपने फ्रेंड से कहती है कि मैं बिल को पसंद करने लगी हूँ और शायद वो भी मुझे पसंद करता है। तभी हम मेलेनी के फ्रेंड को देखते हैं और वो अब मेलेनी से कहती है कि बिल अच्छा लड़का नहीं है, तुम्हें उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उसके पहले भी शादी हो चुकी है और वो ऐसी ही लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता है। और ये बात सुनकर के मेलेनी अपने फ्रेंड से कहती है कि कोई बात नहीं, मेरा प्यार उसे ठीक कर देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिल और मेलेनी ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे, और कुछ टाइम बाद ही मेलेनी और बिल एक साथ एक घर में ही रहने लगते हैं। और अब काफी ज्यादा महीने हो गए होते हैं, और एक दिन मेलेनी घर में अकेली होती है और बिल घर में नहीं होता है। तभी बिल के घर में उसकी एक्स वाइफ आती है और वो मेलेनी से मिलती है, और वो मेलेनी से कहती है कि मेरा हस्बैंड बिल बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है, तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, वो सभी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है और बाद में उन्हें धोखा दे देता है, और उसने ऐसे ही करके काफी सारी लड़कियों को भी फंसा रखा है और उन्हें धोखा दिया है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, तुम उसके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन मेलेनी अब बिल की एक्स वाइफ से कहती है कि मुझे पता है कि बिल मुझे कभी धोखा नहीं देगा और वो मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। और तभी हम देखते हैं कि इन दोनों की बातचीत चली रही होती है। उसी समय यहाँ पे बिल भी आ जाता है, और बिल अब अपनी एक्स वाइफ को यहाँ देख करके उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, और फिर बिल की एक्स वाइफ भी यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगेन से मेलेनी और बिल उस घर के अंदर जाते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और अब धीरे धीरे करके ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। और अब मेलेनी और बिल की लाइफ में सब कुछ अच्छा हो गया था, इन दोनों की शादी भी हो गई थी और यहाँ तक कि इन दोनों के बच्चे भी हो गए थे। और साथ ही मेलेनी एक बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में एक नर्स की जॉब कर रही थी, और साथ ही बिल एक बहुत ही अच्छा लेक्चरर भी बन गया था, और इनकी लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है। फिर एक दिन मेलेनी बिल के पास जाती है और उसे कहती है कि हमें इस घर को चेंज करना चाहिए और अब हमें एक बड़ा घर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी फैमिली अब बढ़ चुकी है और ये घर हमारे लिए काफी छोटा है। लेकिन इनके पास बड़ा घर लेने के लिए पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए ये लोग बड़ा घर नहीं लेते हैं। और तभी हम बिल को देखते हैं, बिल अभी भी कैसीनो में गैम्बलिंग कर रहा होता है, और उसे कैसीनो में बिल को एक और लड़की मिल जाती है जो उसे फ्रेंडशिप करती है, और ये दोनों काफी क्लोज भी आते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है, और वहीं घर पे हम मेलेनी को देखते हैं, और मेलेनी नैपकिन के ऊपर उस लड़की का नंबर लिखा हुआ देख लेती है, जिससे कि मेलेनी को पता लग जाता है कि बिल उसे धोखा दे रहा है। और फिर मेलेनी अपने हॉस्पिटल आती है, जहाँ पे चेकअप कराने के लिए एक लड़की मेलेनी के पास आई होती है, और बातों ही बातों में मेलेनी को पता लग जाता है कि ये लड़की वही है जिसे बिल डेट कर रहा है, और साथ ही मेलेनी को ये भी पता लग जाता है कि ये लड़की बिल की यूनिवर्सिटी की ही है, और अब उसका शक यकीन भी बदल जाता है, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो क्या करे। जिसके बाद मेलेनी वॉशरूम में जाती है और अपने आप को शांत करती है, और फिर हमें रात का सीन दिखाते हैं, बिल अब अपने घर से बाहर जा रहा होता है। उसी समय हम मेलेनी को देखते हैं, और मेलेनी भी अब बिल की कार का पीछा कर रही होती है, और पीछा करते हुए मेलेनी अब उसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे बिल गया होता है। और तभी मेलेनी अब नोटिस करती है कि बिल उसी लड़की से मिलने के लिए गया है, और ये चीज देख करके मेलेनी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी बिल को कुछ नहीं कहती है, क्योंकि वो अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहती थी, और वो अपने दोनों बच्चों को भी नहीं छोड़ सकती, और वो उन्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो बिल को कुछ नहीं कहती है और खुशी खुशी उसके साथ रह रही होती है। लेकिन इसी के साथ मेलेनी अब डिप्रेशन में भी जा रही होती है, क्योंकि उसे ये सब चीजें बहुत बुरी लग रही होती है, क्योंकि बिल ने उसे धोखा दिया होता है और बिल का रूटीन जैसे के तैसे ही रहता है। और तभी मेलेनी ये डिसाइड करती है कि जब बिल उसे धोखा दे रहा है तो वो भी उसे धोखा ही देगी, और वो भी अब किसी को डेट करेगी, इसीलिए मेलेनी अपने हॉस्पिटल में जाती है, और उसी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर के साथ मेलेनी का अफेयर चलता है, लेकिन इस बारे में बिल को कुछ भी पता नहीं चलता है
क्योंकि वो अपने ही लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी होता है कि वो महीने का ध्यान ही नहीं रखता था उसकी रात में क्या चलना है, इसी बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होता। और बिन अब रोजान में कसिंग हो जाता था और वहाँ पे जाकर के वो गैम्बलिंग करता था जिसमें अब वो बहुत सारे पैसे हार भी चुका था और उसने काफ़ी सारे बुरे लोगों से भी पैसे उधार लिए होते हैं, इसी वजह से बिन के ऊपर अब काफ़ी सारा कर्जा हो गया होता है। और कई दिन भी बीत जाते लेकिन बिन घर आता ही नहीं था। अलवानी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो बार बार बिल को कॉल करती है लेकिन बिल इसका कॉल नहीं रिसीव करता है। लेकिन इसके बावजूद मलिनी बिल को डिवोर्स नहीं देती है क्योंकि जब वो छोटी थी तब उसके बचपन में उसके फादर उसकी मां को डिवोर्स देकर के चले गए थे, जिसके बाद उसकी मदर ने दूसरी शादी की थी और मलिनी को उसके स्टेप फादर वैसा प्यार नहीं मिला जैसा उसे उसके रियल फादर से मिलता था। और इसी वजह से मलिनी नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों के साथ भी ऐसा हो, इसीलिए वो बिन को डिवोर्स नहीं देती है। और अब ऐसे ही चलते चलते इन लोगों की लाइफ आगे बढ़ती है और ऐसे ही 4 साल बीत भी जाते हैं। और उसी समय मलिनी को फोन आता है जिस नाइट क्लब के लिए उसने अप्लाई किया तो वो घर इसे मिल जाता है, लेकिन इसे खरीदने के लिए इन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं और बिन के पास तो बिल्कुल पैसे नहीं होते हैं क्योंकि उसके ऊपर तो बहुत सारा कर्जा भी होता है। और उसी समय हम बिन को देखते हैं, वो आज भी अपनी नाइट मिशन ऐसे ही जीता है जैसे वो पहले जीता आया है। वो हर रोज कसीनो जाता था और वहाँ जाकर के गैम्बलिंग करता था। और फिर हमें एक दिन घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे बिल अपने घर में होता है और साथ ही मलिनी भी होती है। उसी समय बिल के मोबाइल पे अब उस लड़की का मैसेज आता है जिस जो लड़की उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और उसी लड़की के साथ बिल का अफेयर था। अब वो लड़की बिल को अब रात में मिलने के लिए बुला रही होती है और मलिनी इस मैसेज को पढ़ लेती है, जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं और बिल अब अपने कार में बैठ करके उस लड़की के पास जा रहा होता है। उसी समय हम मलिनी को देखते हैं और मलिनी भी अब बिल की कार का पीछा करती है और उस जगह पर चली जाती है जहाँ पे बिल ने अपनी कार को पार्क किया होता है। और उसी समय हमें पता लगता है कि बिल की कार की दूसरी जगह जो कि मलिनी के पास है, इसलिए मलिनी अब बिल की कार में बैठती है और उसकी कार एक दूसरी जगह जाकर के पार्क कर देती है, जिसके बाद वो घर आ जाती है। और तभी हम बिन को देखते हैं और बिन को पता लग जाता है कि मलिनी उसे फॉलो कर रही है, इसीलिए जब वो घर आता है तब वो मलिनी के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाता है, उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है। और मलिनी अब बिल का ये रूप देख करके बहुत ही ज्यादा डर गई थी क्योंकि वो बिन के इस रवैये से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और वो काफी डिप्रेशन में चली गई थी, जिसके बाद हमें नर्स दिखाया जाता है और मलिनी अब अपने हॉस्पिटल जाती है और वहाँ जाकर के वो अब अपने सीनियर हॉस्पिटल की साइन करना भी सीख गई थी। और साथ ही मलिनी अब बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसे उसका नया घर भी मिलने वाला था। मलिनी अब अपने नए घर में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है, इसलिए वो बिल के साथ भी बहुत ही अच्छे से पेश आती है, उसे खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन बिल जो कि बदलने वाला नहीं था वो वैसे का वैसे ही रहता है। और फिर हमारी स्टोरी वहाँ से प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है और हमें अब वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस लड़की को समुद्र के किनारे एक बैट मिला होता है जिसके अंदर एक हाथ होता है। और यहाँ पे अब पुलिस भी आ गई होती है और पुलिस ने अब समुद्र के आसपास एरियों में काफी ज्यादा सर्च किया होता है, जहाँ से उन्हें काफी सारे सूटकेस मिले थे और इन सभी सूटकेस में बहन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। और जब सारे सूटकेस के पार्ट्स को मिलाया जाता है तब उन्हें पता लगता है कि ये डेड बॉडी बिन की है और बिन जो कि अब मर चुका है। इसलिए पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करते वक्त मलिनी के घर जाती है और मलिनी अब अपने पेरेंट्स के साथ उसी बड़े घर में रहती है। इसके बाद पुलिस अब मलिनी से जाकर के मिलती है और मलिनी को जब ये पता लगता है कि बिन की डेथ हो गई है तो वो इसी से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। साथ ही वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी बताती है कि कुछ टाइम पहले मेरा और बिल का झगड़ा हुआ था क्योंकि उस समय हम लोग अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले थे, लेकिन बिल्कुल ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, जिस वजह से इसने मेरे ऊपर बहुत गुस्सा किया। और उसी समय बिल ने अपना सूटकेस उठाया था और अपने सामान को पैक करके वो अपने गर्लफ्रेंड के घर रहने चला गया था क्योंकि वो मेरे साथ रहना नहीं चाहता था और उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा होता था। और तभी से मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं बिल को डिवोर्स दूंगी। और तभी यहाँ पुलिस को देखते हैं जिसकी अब इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है और वो लोग यहाँ से चली जाती हैं। और साथ ही पुलिस अब उनके केस के ऊपर अपने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही उन्हें कुछ ऐसा क्लू मिलता है जिससे उन्हें मलिनी के ऊपर शक होता है, इसीलिए ये लोग अधीन से मलिनी के घर जाते हैं और उसके घर की छानबीन करते हैं। और मलिनी के घर से छानबीन करने के दौरान उन्हें वैसे ही सूटकेस मिलता है जिस सूटकेस के अंदर बिल के बॉडी पार्ट्स होते हैं, इसीलिए पुलिस अकेले से मलिनी से बात करती है। और इसी के साथ मलिनी अब पुलिस को ये भी बताती है कि बिल जब अपना सामान पैक कर रहा था तब मैंने उसका ही सूटकेस देखा था और ऐसे ही सूटकेस हमारे घर में बहुत सारे हैं, इसीलिए पुलिस अब यहाँ से चली जाती है। और तभी पुलिस को ये भी पता लगता है कि बिल की मौत के एक दिन पहले मलिनी ने एक गन खरीदा था और उस गन की गोलियां जो बिल की बॉडी पार्ट्स के अंदर है। और इसी वजह से पुलिस वालों को अब पूरा शक हो जाता है कि मलिनी ने ही बिल को मारा है और उसी गन से इसकी जान भी है, इसलिए वो लोग अगेन से मलिनी के पास जाते हैं। लेकिन मलिनी अब पुलिस से कहती है कि उस गन को मैंने इसलिए परचेज किया था क्योंकि बिल ने मुझे कहा था उस गन को लेने के लिए और जब वो अपना सामान तय कर रहा था तो हो सकता है कि वो गन भी इसके साथ चली गई हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने बिल को मारा है। तभी हम पुलिस को देखते हैं और पुलिस को अब मलिनी के ऊपर शक तो होता है लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं होता है जिससे वो ये साबित कर सके कि बिल को मलिनी ने ही मारा है। और साथ ही मलिनी अब पुलिस ये भी कहती है कि बिल ने काफी सारे लोगों से पैसे उधार दे रखे थे और हो सकता है कि उनमें से किसी ने बिल की गन से ही उसे जान से मार दिया हो
अपने उधारी के चक्कर में, लेकिन पुलिस इस बात से कन्विंस नहीं होती है क्योंकि बिल की मौत बहुत ही बुरी तरीके से हुई थी, जिसने बिल को पैसे उधार दिए थे, वो बिल को इस तरीके से कभी नहीं मारेगा। और इसी वजह से पुलिस वालों को मेलानी के ऊपर शक होता है। तभी हम बिल की सिस्टर को देखते हैं और बिल की सिस्टर का भी यही कहना होता है कि बिल को मेलानी ने नहीं मारा है क्योंकि वो उससे बहुत नफरत करती थी, वो उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी और वो कभी भी बिल को खुश नहीं रखती थी। और वो ये सारी बातें पुलिस को भी बता देती है, जिससे कि पुलिस का शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है मेलानी के ऊपर। और साथ ही उन्हें अभी इसकी गाड़ी भी मिलती है जिसमें काफी सारा खून भी लगा होता है, लेकिन अभी भी उनके पास मेलानी के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं होता है जिससे कि वो लोग मेलानी को पकड़ सके। और इसीलिए पुलिस वालों ने मेलानी के पीछे अपने डिटेक्टिव लगा दिए होते हैं। और ऐसे ही 2 महीने तक ये लोग मेलानी की जासूसी करते हैं जिससे कि उन्हें ये पता लग जाता है कि बिल की मौत से पहले मेलानी ने अपने हॉस्पिटल में एक बेहोशी की दवाई मंगाई जो कि डॉक्टर के साइन के बिना नहीं दिखती है। और जैसा कि हमने बताया कि मेलानी ने डॉक्टर की साइन करना सीख लिया था और उसने डॉक्टर की साइन को अप्लाई करके उस मेडिसिन को अपने हॉस्पिटल में मंगाया था। और तभी पुलिस वालों को ये सारी चीजें पता लगती है और अब उनके पास बहुत सारे सबूत होते हैं मेलानी को पूरी साबित करने के लिए। और तभी हमें उस रात का सीन दिखाते हैं जिस रात में मेलानी और बिल के लोग नए घर में शिफ्ट होने वाले थे। और इसी रात ही लोग पार्टी करते हैं जहाँ पे मेलानी ने बिल को एक ड्रिंक बना के दी होती है और उसी दिन में उसने इस दवाई को मिला दिया होता है जिस ड्रिंक को पी करके बिल बेहोश हो गया। और फिर नेक्स्ट डे सबसे पहले मेलानी अपने बच्चे को लेकर के स्कूल गई और उन्हें स्कूल ड्रॉप करके वो अपने घर आई। और फिर घर आने के बाद उसने उसी गन से बिल के ऊपर फायर कर दिया जिससे कि बिल की मौत हो गई थी। और फिर बिल की डेड बॉडी छुपाने के लिए उसने बिल के बॉडी पार्ट्स को ग्राइंडर्स की मदद छोटे छोटे पीसेस में कट कर और फिर उन पार्ट्स को अलग अलग सूटकेस पे पिन करके अलग अलग जगह पे फेंक दिया। और फिर मेलानी ने बिल की कार को समुद्र के किनारे पार कर दिया, जिसके बाद मेलानी अपने घर आई थी और वहाँ से उन सारे सबूतों को मिटा दिया जिससे कि किसी को भी ये पता न लगे कि बिल को उसने मारा है। लेकिन वो इन सब चक्रों में बोलते कि उसके जूतों में भी खून लगा था बिल का, वो खून उसकी कार में भी लग गया था और उसके जूतों का खून ही उस पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सबूत होता है। और अब ये भी साबित हो जाता है कि मेलानी ने ही अपने हस्बैंड को जान से मारा है और उसी ने ये सब कुछ किया है, जिसके बाद मेलानी को पकड़ दिया जाता है और उसके ऊपर केस चलता है। और अब सभी लोग मेलानी के खिलाफ होते हैं, लेकिन तभी हम मेलानी के पेरेंट्स को देखते हैं तो ये लोग जानते हैं कि मेलानी ने बिल को मारा है। लेकिन वो लोग इसी से दुखी नहीं होते हैं जबकि वो लोग इसी से खुश होते हैं कि मेलानी ने अगर बिल को मारा है तो वो इसीलिए मारा है क्योंकि बिल इसे कभी भी खुश नहीं रहता था, वो उसे हमेशा धोखा देते आया है, उसने बिल को मार करके बहुत ही अच्छा किया है। मेलानी के पेरेंट्स अब मेलानी के सपोर्ट में ही केस करते हैं और वो लोग केस के थ्रू मेलानी को बेल फिर छुपा लेते हैं। इसके बाद ये लोग मेलानी से मिलते हैं और तभी हम पुलिस वालों को देखते हैं। इन लोगों को पूरा शक होता है कि मेलानी ने अपने हस्बैंड को मारा है, इसीलिए ये लोग पक्का सबूत लाने के लिए मेलानी को फॉलो करते हैं और उसकी कॉल को 3 महीने में ट्रेस करते हैं। और इसी के दौरान पुलिस वालों को पूरा पक्का सबूत मिल जाता है कि मेलानी ने अपने हस्बैंड को मारा है, इसीलिए वो लोग अगेन से केस रीओपन कराते हैं। मेलानी के खिलाफ काफी पक्का सबूत लाते हैं जिस वजह से मेलानी को उम्र कैद हो जाती है। और सभी मेलानी को देखते हैं और मेलानी अब यही कह रही होती है कि उसने बिल को नहीं मारा है, लेकिन सच्चाई तो यही होती है कि मेलानी ने ही बिल को मारा है और उसने बिल को इसलिए मारा था क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे, वो उसे कोई खुश नहीं दे, वो उसे हमेशा दुखी रखता था और उसे काफी ज्यादा परेशान भी करता था और इसी इरिटेशन की वजह से उसने बिल को जान से मार दिया था। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।